जी नाज साहब अपना सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार जी, सवाल पूछिए। ऐसा है, मैं एक लोन लिया था हडको से, हडको बेंगलुरु से जी। सो मैं अभी तक डिस्बर्समेंट नहीं लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं लिया, लेकिन लोन इज अप्रूव्ड। नाउ यस्टरडे आई कॉन्टेक्ट विद द बैंक मैनेजर जी, वो लोग बोल रहे हैं कि सिंस ये जो मैं लोन लिया, तो अभी का मैं उस टाइम में जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था। और क्या कितनी लिमिट थी इस लोन की जो आपने लिया था? हाँ, मैं लोन का लिमिट था 12,77,000। चलिए, हर्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हर्ष, इनका कहना यह है कि 12,74,000 का लोन था जो पेपर वर्क हो चुका है उस लोन का, लेकिन इन्होंने अभी पेमेंट नहीं लिया उस लोन का। ऐसे में जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये पहले ही बैंक के साथ साइन कर चुके हैं, क्या वो सरकारी बैंक इनकी मदद करेगा और अब इस नए स्कीम के तहत इन्हें लोन देगा, या फिर क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पर इन्होंने किया उसी पर मिलेगा? सो अगर आप नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, कोई भी इन्होंने जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का मेंशन किया है हडको, उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल आप देखें इवन फिक्स्ड रेट में, तो रेट आपकी फिक्स्ड होती है जिस दिन आपने डिसबर्समेंट लिया जी। तो पेपर वर्क आपने साइन किया होगा पहले, लेकिन अगर आज आप डिसबर्समेंट लेने जाएंगे तो आज की जो फिक्स्ड रेट है वही लागू होगी, और शायद यही इनके बैंक मैनेजर ने इन हडको के मैनेजर ने इनको कहा है, क्योंकि नॉर्मली जो हर इंस्टीट्यूशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यही कहता है, और इनके केस में भी यही होगा। तो आज की तारीख में चाहे वो फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, ये इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने कितने दिन पहले इस लोन के डॉक्यूमेंट साइन किए थे जी। चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, रेट जो आज की है वही एप्लीकेबल होगी, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्यूमेंट देखने बिना नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्य टर्म्स एंड कंडीशंस यही है जी। तो क्या इन्हें नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अब अपना पेपर वर्क दोबारा से करना पड़ेगा? ये कह रहे हैं नया टर्म्स एंड कंडीशंस से करना पड़ेगा दोबारा, ऐसे कह रहे हैं इस स्कीम के तहत? इस स्कीम के तहत तो नेचुरली को इस स्कीम के तहत नहीं है, हुडको बैंक नहीं है, हुडको इंस्टीट्यूशन है, तो इनको तो इस स्कीम के तहत अगर जाना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना पड़ेगा इनको। फिलहाल आप ये बताइए कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट 20 लाख तक के लोन लेने की है और वो सोच रहा था घर खरीदने का, तो क्या ये सही वक्त है कि अगर आपने सोचा ही है कि आप 18, 20, 15 लाख तक का कर्ज लेंगे बैंक से और फिर लोन लेंगे, तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि वो लोन आप अभी ले लें स्कीम के तहत और घर खरीदें? हाँ, तो ये स्कीम तो 30 जून तक रहेगी जैसा कि इन्होंने कहा है, तो अगले 3-4 महीने में घर लेना चाहिए क्या? अगर आपको जरूरत है और खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल रहना चाहिए, इसमें मुझे मतलब कोई दो राय नहीं है, ये फर्म व्यू है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि मार्केट में प्रॉपर्टी रेट्स जो हैं जी, वो काफी उसमें थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, तो आप नेगोशिएट करिए और फिर थोड़ा और नेगोशिएट करिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छी रेट मिल रही है तो तुरंत ले लीजिए, वरना 2-3 महीने रुक कर आप ले लीजिए, लेकिन अच्छी डील लीजिए। ये जो स्कीम है ये आपको 30 जून तक अवेलेबल है। मेरा टेक ऑन सैलरी 20.5,000 है जी। तो मेरा लोन कितना, 11 लाख तक लोन मुझे अप्रूव हो सकता है जी? हर्ष जी, आपने इनका सवाल सुना, 25,000 के करीब की इनकी सैलरी है, टेक होम सैलरी जो घर लेकर जा रहे हैं ये, उस पे क्या 11 लाख तक का ये कर्ज ले सकते हैं बैंक से होम लोन? इनकी इनकी उम्र क्या है? 28 साल। तो आपको आपको करीबन 20 साल का लोन मिल जाएगा रफली, अगर हम एक रूल ऑफ द थंब लें, और अब रेट अगर इस स्कीम के अंडर में आप जाएंगे, नेचुरली आप इस स्कीम के अंडर में ही जाएंगे क्योंकि ब्याज की दर फिर आपको 9.25 रफली अगर हम लें, आपकी 2,40,000 या 2.5 लाख रुपए की सालाना आय है, तो उसके बेसिस पे करीबन 9-10 लाख रुपए तक की जी। बहुत रफली बता रहा हूं मैं, आपके एग्जिस्टिंग लोन कितने हैं और किसी की आप इनकम जोड़ सकते हैं क्या उस पे, वो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, बट रफली 9-10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं आराम से, 8-10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। चलिए, और चलते चलते क्या खासियत आप बताना चाहेंगे दर्शकों को इस पैकेज के बारे में?
तो जो एक आम आदमी है उसके लिए ये पैकेज अच्छा है। हालांकि उसको शायद और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन ये एक अच्छा मौका है। आप अच्छी प्रॉपर्टी, अगर आपको खुद के रहने के लिए घर लेना है तो आप अभी प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दीजिए, और अगर अच्छी डील आपको मिल रही है तो आप उसको फाइनलाइज करिए। ये अच्छा पैकेज है, और अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी भी अच्छा पैकेज है, इसका फायदा उठाइए।